गुरुवार को ई रिक्शा और सिटी बस ड्राइवर, कंडक्टर और सुपरवाइजर के बीच सवारी बैठाने को लेकर कहासुनी के बाद हाथापाई तक की नौबत आ गई, जिसकी ई रिक्शा चालकों द्वारा आईजी हरिनारायण चार्य मिश्र और थाना प्रभारी एमजी रोड को इसकी शिकायत की गई। दरअसल इंदौर में ई रिक्शा ड्राइवर और सिटी बस के बीच लंबे समय से सवारी बिठाने को लेकर आए दिन विवाद की स्थिति बनती है। गुरुवार को इंदौर के राजवाड़ा पर सवारी बिठाने को लेकर सिटी बस और ई रिक्शा के ड्राइवर और कंडक्टर के बीच कहासुनी के साथ ही हाथापाई हो गई, जिसकी शिकायत लेकर इंदौर आईजी को ई रिक्शा के ड्राइवर द्वारा लिखित शिकायत की गई और मांग की गई है कि सिटी बस ड्राइवर और कंडक्टर द्वारा शहर में चल रही ई रिक्शा को सवारी बिठाने को लेकर सिटी बस के ड्राइवरों द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। ई रिक्शा के ड्राइवर द्वारा आरोप लगाया गया है कि सिटी बस के ड्राइवर, कंडक्टर और सुपरवाइजर ई रिक्शा चालकों के साथ सवारी के नाम पर गुंडागर्दी करते हुए मारपीट और गाड़ी में तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगाया है। वहीं पूरे मामले में थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि ई रिक्शा चालक द्वारा शिकायत की गई है कि कुछ सिटी बस के ड्राइवर, कंडक्टर और सुपरवाइजर द्वारा ई रिक्शा ड्राइवर के साथ मारपीट की जा रही है। वहीं सवारी बिठाने को लेकर विवाद कर रहे हैं, जिसको लेकर लिखित शिकायत ई रिक्शा चालकों द्वारा दी गई, जिसकी जांच की जा रही है। जो भी जांच में पाया जाता है उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये लोग ई रिक्शा वाले हैं, कोई AICTL बस वाले इनको सवारी भरने में वहाँ रोक लगाते हैं और किसी ने एक आध चाटे मार दिए हैं। इस बात को लेके ज्ञापन देने के लिए यहाँ IG साहब के कार्यालय में आए थे और अभी ज्ञापन इनका आ रहा है। ज्ञापन लेने के बाद में ये लोग रवाना हो गए। आरोप है कि बस वाले सवारियां उतारते हैं, मारा पीटी करते हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, इनके बोलते बस के नीचे दबा देंगे। इसके पहले अभी कोई कंप्लेंट नहीं आई थी, पहली बार इन लोग संज्ञान में लाया है, तो इसकी संबंधित थाने को भेज के जांच करवा लेंगे इसकी। आते हैं वहाँ पे हमारे को सर अशब्द से उपयोग करते हैं सर, हमने जो चीज़ बोली नहीं है हमको सर उसका झूठा आरोप देते हैं कि आपकी रिपोर्ट डाल देंगे, आपका ये कर देंगे। ये बोलते हैं आपकी बाप की जगह नहीं है सर ये, और अशब्द की गालियों बकना। और आज क्या हुआ था? आज सर ये हुआ था, हमारे भैया की गाड़ी में सवारी बैठी थी, तो उसमें से चार जने सवारी उतार ली, उसके बाद उतारी तो उसको मारा भी सर ही, एक लप्पड़ मारा, दो लप्पड़ मारे, और उसको बोलते जाते थे जो जिनसे दादा पहलवान उसको लिया, और वहाँ के जो बस चार्टर्ड अकाउंट थे दुबे जी करके, तो ये दो तीन जने सर वहाँ बैठते हैं, वो भी बोलते हैं कि आपके जितने भी दादा पहलवान हो सबको लिया हो, हमसे बड़ा दादा पहलवान कोई नहीं है। और सर हमसे आज सबसे गाली बकते हैं और हमको झूठा आरोप लगाते हैं कि आपने चाकू मारने का बोला, ये करने का बोला। सर हम गरीब इंसान, हम चाकू क्या मारेंगे? क्या हुआ भी आपको? सर हम आए थे, हमको सरों ने बोला है कि आप विज्ञापन दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। हम सरों ने हमको बोला है, हम विज्ञापन देने आए हैं और दे रहे हैं सर। उसका नाम बता, नवीन नामदेव सर।